हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आपको मेरा हाउ टू लूज बेली फैट वाला वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया था, आप लोगों ने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया और आप चाहते थे मैं इस तरीके के कुछ और वीडियोस लेके आऊं। सो यस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप कैसे अपनी हाइट इंक्रीज कर सकते हैं, वो भी बहुत कम टाइम में। अब मैं जानती हूँ बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि हाइट इंक्रीज करना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्या वो 20 और 22 साल की एज में जितनी बढ़ती है उतनी ही रहती है हमेशा के लिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते। देखिए, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। सिमिलरली हम हमारी हाइट को भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे हाइट बढ़ने के फैक्टर्स पे। सेकेंडली हम बात करेंगे ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, जो आप कर रहे हैं जिनकी वजह से आपकी हाइट कम लग रही है। तीसरा हम बात करेंगे ऐसे कौन से फूड्स हैं जो आपकी हाइट इंक्रीज करने के प्रोसेस को बूस्ट अप करते हैं। और लास्टली और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हम बात करेंगे ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेस हैं जो आप कर सकते हैं अपनी हाइट इंक्रीज करने के लिए और जल्द से जल्दी रिजल्ट्स देखने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपने करना है चैनल को सब्सक्राइब अगर आप पहली बार आए हैं तो, साथ में करना है बेल बटन को हिट ताकि आप ऐसे वीडियोस मिस ना कर पाए। लाइक कर देना इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो, और आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं हाइट के फैक्टर्स पे। तो 70% तक हमारी जो हाइट डिपेंड करती है वो जाती है हमारे जेनेटिक्स पे। सो अगर हमारे पेरेंट्स की हाइट अच्छी है, लंबे हैं वो, तो हमारी भी हाइट ऑटोमेटिकली काफी अच्छी होगी। और अगर हमारे पेरेंट्स की हाइट छोटी है तो हमारी भी हाइट छोटी होगी। लेकिन 0.0001% चांसेस में इनका उल्टा भी होता है। इसको साइड में रखते हुए बात कर लेते हैं बाकी के 30% की, क्योंकि इस 70% का हम कुछ नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं उन चीजों पे वर्क जिन पे हमें करना चाहिए, जो कि है बाकी का 30%, जिसमें 10% होता है हमारा खानपान, रहन-सहन। अगर आपका हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, आप वो चीजें कंज्यूम नहीं कर रहे हैं जो आपकी हाइट इंक्रीज करने के प्रोसेस को बढ़ा सकती हैं, फर्क पड़ता है आपकी हाइट बढ़ने या ना बढ़ने पे। दूसरा हम बात करेंगे 20% जो हमारी हाइट डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है क्या आप वो सारी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं जो हमारी हाइट बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो चलिए देख लेते हैं ऐसे कौन से फूड्स हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेस हैं जो आपको करनी चाहिए, और हम बात करेंगे ऐसी कौन सी चीजें जो आपको नहीं करनी चाहिए। हाइट इंक्रीज करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी का बैलेंस्ड होना, जिसके लिए हमें चाहिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड हेल्दी फैट्स। देख लेते हैं ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको खानी चाहिए। सबसे टॉप पे आता है मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स। मिल्क में होता है भर भर के कैल्शियम और इसमें होता है विटामिन ए, जो मिल्क के कैल्शियम को आपकी बॉडी में थ्रू आउट द डे प्रिजर्व करके रखता है, जिससे ना सिर्फ आपकी बोन्स स्ट्रांग होती है, आपको एक्टिव भी रखता है। प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए आप ले सकते हैं एग। आपने 2 eggs डेली खाने हैं, ये आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर हम चिकन की बात करें तो चिकन आपके मसल्स को स्ट्रांग बनाने में हेल्प करता है। बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, जो आपको मिल सकते हैं ब्राउन राइस से। अब वेजिटेबल्स की बात करें तो हम उन्हें पीछे नहीं छोड़ सकते, बाकी सारी चीजों के साथ साथ वेजिटेबल्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनमें होता है आयरन और इनमें होते हैं भर भर के विटामिंस, जो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं उस पार्ट की जो कि 20% रिस्पॉन्सिबल है आपकी हाइट इंक्रीज करने के लिए, वो है एक्सरसाइज। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज। अगर आप बाकी सारी चीजें कर रहे हैं और एक्सरसाइज पार्ट नहीं कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, आपकी हाइट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्टिविटी हमारी बॉडी में जो होती है वो एक्सरसाइज की वजह से होती है। देख लेते हैं कौन सी 5 एक्सरसाइजेस हैं जो रिस्पॉन्सिबल रहती हैं हमारी हाइट इंक्रीज करने के लिए और जो आसान भी हैं। सबसे पहली है ताड़ासन। मैं हर एक्सरसाइज का फोटो आपको यहाँ पे लगा दूंगी ताकि आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा मैं किस एक्सरसाइज की बात कर रही हूँ। यहाँ पे जो आपको फोटो दिख रहा है ये एक एक्सरसाइज नहीं बल्कि एक योगिक आसन है। क्या करना होता है, अपने हाथों को स्ट्रेच करके ऊपर ले जाना होता है एंड देन अपने टोस पे खड़ा होना होता है। आपके जो पैर होते हैं उनको आपको फ्लैट नहीं रखना होता है, आपको पैरों को यूं रखना होता है और आपको थोड़ा बहुत चलने की कोशिश करनी होती है। क्या होता है, आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हैं, आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपकी हाइट इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज नहीं बल्कि फन है। इसमें आपको करनी है साइकिलिंग। अगर आपने देखा हो कुछ बच्चे स्टार्टिंग से अपने बचपन से साइकिलिंग करते आते हैं, उनकी हाइट हमेशा बहुत अच्छी होती है। वो इसीलिए क्योंकि साइकिलिंग में हमारा एक्टिव रहता है लोअर बॉडी पार्ट, जिससे हमारी मसल्स एलोंगेट होती हैं, हमारी बॉडी एक्टिव रहती है और हमारी हाइट बढ़ने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इन्हीं का होता है। तीसरी जो एक्सरसाइज है वो अगेन एक बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। आपने बहुत सारी लड़कियों को देखा होगा रस्सी कूदते हुए, और अगर आप ये रस्सी कूदने वाली एक्सरसाइज करते हैं तो आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, आप इसे करिएगा नंगे पांव। आपने स्लीपर्स वगैरह कुछ नहीं पहनना है, नंगे पांव करेंगे, आपके पैरों में ब्लड सर्कुलेशन सबसे ज्यादा होगा, द मोस्ट होगा, जो आपकी कंप्लीट बॉडी को एक्टिव रखने के लिए और आपकी हाइट इंक्रीज करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉरवर्ड बेंडिंग में आपने क्या करना होता है, यहाँ पे आपको क्लियर पिक्चर दिख जाएगी जिससे आपको आइडिया लग जाएगा मैं किस एक्सरसाइज की बात कर रही हूँ। अपने हाथों को ऊपर ले जाना है,
देन आपने अपने लोअर बॉडी पार्ट को बिल्कुल एग्जैक्ट रखना है, बिल्कुल स्टिफ रखना है, बेंड नहीं करना, घुटने वाली जगह को बेंड नहीं करना, और आप अपने हाथों से अपने पैर के टोस को छूने की कोशिश करनी है। इससे क्या होगा, आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हैं, आपकी मसल्स एलोंगेट हो रही हैं, एंड ओवरऑल आपकी हाइट इंक्रीज करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्सरसाइजेस हैं वो है जंपिंग, स्ट्रेचिंग एंड हैंगिंग। सो हैंगिंग में क्या होता है, आप हैंग कर रहे हैं अपने आप को ऊपर और आपने जमीन से ऊपर रहना है। अब नीचे क्या होता है, ग्रेविटी आपको नीचे खींचती है, मींस गुरुत्वाकर्षण आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, मतलब दोनों तरीके से प्रेशर लग रहा है। ऊपर आप प्रेशर लगा के अपने आप को हैंग करने की कोशिश कर रहे हैं और नीचे से ग्रेविटी आपको खींचने की कोशिश कर रही है। तरफ से आपकी पूरी बॉडी में स्ट्रेचिंग हो रही है और ब्लड सर्कुलेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी मसल्स एलोंगेट करने में और आपकी हाइट इंक्रीज करने में। अब बात कर लेते हैं एक ऐसे पॉइंट की जिसकी वजह से आपकी हाइट मात्र आधे सेकंड में आधे से एक इंची बढ़ सकती है। वो कैसे, वो ऐसे कि आपको इम्प्रूव करना है आपका बॉडी पॉस्चर। कुछ लोगों की आदत होती है अपने शोल्डर्स को झुका के चलने की, झुका के बैठने की और एकदम यू नो झुक के चलने की, जिसकी वजह से आपकी हाइट कम प्रतीत होती है, देखा जाए तो आपकी हाइट इससे कम लगती है। और कुछ लोगों को ऐसा बहुत टाइम से ये करते आ रहे हैं, इस तरीके से ही उन्होंने बैठा उठना सीखा है, अब उनको अपना बॉडी पॉस्चर इंप्रूव करने में और स्टिफ रखने में भी उनको दिक्कत आती है। तो स्टिफ रखने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको बिल्कुल अकड़ जाना है, ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ अपना बॉडी पॉस्चर स्ट्रेट और इंप्रूव रखने की कोशिश करनी है, आपकी हाइट ऑटोमेटिकली आधे से एक इंची बढ़ जाएगी। एंड विद दिस आई फिनिश माय टुडेस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा। अगर आप चाहते हैं इसी तरीके के कुछ और वीडियोस आपके साथ शेयर करना, प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हाँ, आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, पसंद आए तो इसे लाइक भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसे अमेजिंग वीडियोस मिस ना कर पाए। एंड आई विल सी यू सुपर सून विद माय न्यू वीडियो। टिल द टाइम टेक केयर, बाय।